गाइस बैगम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे आबाद होंगे। तो मेरा नाम वजाहत है, मेरा नाम तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाले। वीडियो का टाइटल है इमरान खान में देखा भारत का खौफ, कबूल के 3 सालों में भारत ने हमें सही करके ठोका। अच्छा, मतलब कि इमरान खान ने खुद कबूल की है ये तकरीर, मैं देखा उन्होंने कुछ की है। अच्छा, कल बोला है उन्होंने कुछ बोला है। अच्छा, तो ये अभी वीडियो देखते हैं तभी इसके बारे में आवाम के सामने रखी। अच्छा, 3 सालों की जो थी सारी रिपोर्टेशन वगैरह जो भी था रिपोर्ट, वो पूरे पाकिस्तान के सामने रखी है पूरे पाकिस्तान। अच्छा, अभी देखते हैं कि इन्होंने क्या ऐसा बोला है। तो कौन करते हैं स्टार्ट, ये 3 सालों में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, जब उन्होंने हमारी पाकिस्तान में आके रात को वो बमबारी की उनके घास थे, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह की फौज ना हो तो कितना एक ताकतवर, एक बड़ा मुल्क, 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क, उसके सामने क्या करेगा, हमारी आवाम क्या करेगी, कुछ भी नहीं। तो उधर एहसास होता है अपनी फौज का। तारीखी महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। सबसे बड़े सूबे पंजाब में खवातीन से ज्यादती के वाकयात बढ़ गए। सब्ज बाग दिखाए थे और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था और आवाम को ये आज पता चल गया इमेज बाजार के इंडियन इमेजेस इन्हें यूज किए हैं। तो अगर इस हकूमत की अपनी परफॉर्मेंस कुछ भी होती तो इनको ये जरूरत नहीं थी कि एक इंडियन वेबसाइट से ये इमेजेस उठाते। सही बोला। कोरोना से पहले भी एक चीज हुई, पुलवामा आ गया। वो मैं सिर्फ पुलवामा में, अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी और मैं आज अपनी खास तौर पे अपनी फौज का शुक्रिया उनका अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हमारे पास ऐसी फौज और एयरफोर्स है। जब वो फैसला करना था, और बड़ा एक, जब उन्होंने हमारी पाकिस्तान में आके रात को वो बमबारी की घास दे, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह की फौज ना हो जो हमें कॉन्फिडेंस हो कि यह हमें सिक्योरिटी देगी, तो कितना एक ताकतवर, एक बड़ा मुल्क, 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क, तो उसके सामने क्या करेगा, हमारी आवाम क्या करेगी। तो उधर एहसास होता है अपनी फौज का। और फिर मुझे ये इन 3 सालों में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई कि जिस तरह ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी, देखिए मैंने भी फौज की तनकीद की हुई है माजी के अंदर, मैंने भी किया है। भी इदारा है, अदली है, वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं, लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए, फौज के पीछे पड़ जाए और फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दें, या अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। बाहर जो पूरी हमें पता है कि हिंदुस्तान की लॉबी पूरी तरह कोशिश में है कि पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहे, उसके पीछे पड़े। अभी जो अफगानिस्तान में हो रहा है, पूरा जोर लगाया हुआ है कि जी ये तालिबान सिर्फ जीते हैं पाकिस्तान की फौज की वजह से, और पूरी कैंपेन चली हुई है हमारी फौज को डिस्क्रेडिट, और अब से नहीं, देर से चल रही है, और यहां बैठे हुए लोग पूरा उन्होंने महाज बनाया हुआ है फौज के खिलाफ। और मैं ये आपको कहता हूं कि मुझे असल, मैंने वैल्यू किया अपनी फौज को जब वो पुलवामा हुआ, ना होती, अगर ना होता ये तो खुद सोच ले कि मैंने पता नहीं क्या मुश्किल वक्त गुजरना था। अपोजिशन मुंतखब हुकूमत गिराने के लिए फौज के पीछे पड़ी है, मईशत को तरक्की की राह पर डाल दिया। जब इक्तदार में आए टीम नई थी, किसी चीज का पता नहीं था। इमरान खान का 3 साल हुकूमती कारकर्दगी की तकरीब से खिताब, डॉलर 166 रुपए तक जा पहुंचा। तारीखी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी।
सबसे बड़ी पहले हमारा 1998 तीन से ज्यादती के वाकयात बढ़ गए। क्या अवाम पीटीआई हुकूमत की तीन साल कारकर्दगी से मुतमईन है? ठीक है, इन लोगों ने जितने वादे किए उसमें से एक वादा कोई बंदा मुतमईन नहीं हुआ। इन लोगों ने लोगों को जरूर सब्ज बाग दिखाए थे और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, और अवाम को ये आज पता चल गया कि इन्हें तीन साल की जो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट दी है। आपने शायद देखा होगा कि इन्होंने इंडिया की एक वेबसाइट है इमेज बाजार, उसमें से इमेजेस निकाल के अपनी एडवर्टाइजमेंट में दिए हैं। सो आई वांट यू कि आप वो प्लीज शो भी करें ऑन टीवी, और मरियम औरंगजेब की ट्वीट पे भी है कि वो इमेज बाजार के इंडियन इमेजेस इन्हें यूज किए हैं। तो अगर इस हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस कुछ भी होती तो इनको ये जरूरत नहीं थी कि इंडियन वेबसाइट से ये इमेजेस उठाते। दूसरी बात, मुझे लगता है इस हुकूमत ने सिर्फ जो चीजें हासिल की हैं वो झूठ बोलने में ये माहिर है, ये यूटर्न में माहिर है। महंगाई की आप शरा देख लें, अगर आवाम की पॉलिसी के बारे में बात करें तो महंगाई शरा जो है वो कितनी ज्यादा है, और चीनी 50 रुपए पर किलो थी, अब चीनी की जो प्राइस है 110 रुपए पर किलो है। आटे की प्राइस, घी की प्राइस देख ले, डबल हो गई है भाई। बिजली तो ये तो बड़ी बातें और दावे करती थी, लेकिन इनने अभी आज कोई एक ऐसी चीज की है जो अवाम की सहूलत के लिए हो? देखिए, हमें फरिया इवेंट करना नहीं पड़ता था, बिकॉज हमारी जो परफॉर्मेंस थी ना वो अवाम को नजर आती है। ये हमारी ही प्रोजेक्ट्स पे तख्तियां लगा रही हैं। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो इस हुकूमत में अकल ही नहीं है, ये नकल भी करते हैं और इनको समझ नहीं आती। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह मुल्क को चेंज किया था, जिस तरह हमने प्रोजेक्ट्स लगाए थे, जिस तरह एयरपोर्ट्स बनाए थे, मोटरवे बनाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील किया था, इन्होंने एक चीज बता दे कि इन्होंने क्या की? कुछ चीज आपको नजर आई? इनके बल्कि जो मिनिस्टर्स हैं परवेज खटक साहब, वो आके कहते हैं कि महंगाई तो मुल्क में है ही नहीं। पता नहीं वो किस लेंस से देख रहे हैं, महंगाई उनको नजर नहीं आती। इमरान खान इधर हो, ये वीडियो खत्म, तो इस वजह से इनको नजर नहीं आती क्योंकि वो करोड़ों पति हैं, अरबों पति हैं, डॉलर्स हैं उनके पास, उनको कहाँ से नजर आएगी? उनके आगे क्या, अगर महीने का खर्चा चलो उनके घर के अंदर का 10 लाख होता है तो उनको क्या पड़ी है? वो है, एक दिन के अंदर 10-20 लाख 30 लाख छाप जाते, करोड़ों की डीले मिनटों में करते हैं वो लोग, तो उनको क्या है? बिल्कुल सही बात है। वजह इमरान खान ने कल अवाम के सामने अपने तीन साल दौर इकतदार, मतलब कि वो अपनी जो गवर्नमेंट का था ना, तो उसके अंदर तीन साल की जो अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने सामने रखी सारे सारे कुछ ऐसी बातें की हैं कि वो मुझे तो समझ में नहीं आई। महंगाई का किधर उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, सुना है आपने? तो और वही ना, अब जिस घर में मतलब 30,000 में महीने का गुजारा होता था पहले, तीन साल पहले, अब उसी घर में लाख से ऊपर पे बात चली गई। बिल्कुल लाख से कम की बात नहीं है। तीन साल पहले चीनी हमारे पास 50 रुपए किलो थी, अब 110 हो गई है। 150 रुपए किलो था, अब 340 रुपए किलो हो गया, 350 कर दो। मतलब कि घी यार, मतलब क्या बंदा बोलो, इंडिया में भी बताना इनकी प्राइसेस क्या क्या। आटा 40 रुपए किलो था, अब 80 रुपए किलो, डबल, यानी सब चीजें डबल। तीन साल और लोगों की तनख्वाहें उधर है और लोगों के कारोबार डाउन हो गए क्योंकि अब चीज निकलेगी नहीं तो कौन लेगा? सारे गुर्बत में आ रहे हैं, लोग क्या लेंगे? कारगर्दी तो होती है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इन्वेस्टर आ रहे हैं, बड़े कोई काम करवाए हो, मुलाके ले गए। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ लोगों ने एक दफा भी रिपोर्ट पेश की, क्योंकि लोगों को नजर आया था काम हो रहा है। छोड़ी थी नवाज शरीफ ने, छोड़ी थी 110 डॉलर था, अब 166-170 के 110 पे भी तब हुआ था, इन लोगों ने वो बचाई हुई थी अपोजिशन पार्टियों ने, तो इस वजह से ऊपर हो गया था। और बकाया मैं यही बोलूंगा यार कि हमारा कंट्री आगे निकले और तरक्की करे, लेकिन ये चीज है कि भाई इमरान खान ने जो पुलवामा की बात की वो काफी ज्यादा एक बहुत बड़ी सिचुएशन बन चुकी थी, क्योंकि वो फिर इन्होंने आई थिंक एयर स्ट्राइक की थी, फिर अभिनंदन का हिट किया था, फिर वो पकड़ा गया था, फिर उनको वापस ना करते तो ये काफी ज्यादा काम खराब हो जाना था, फिर जंग लग जानी। सीधी सी बात है भाई, इसमें कोई बात नहीं, जंग नहीं, फिर वापस किया तो सारे हालात ठंडे हो गए। ये बहुत जबरदस्त इकदाम थे, और यार मैं यही बोलूंगा कि फ्रेंडशिप ही हम दोनों में रहे तो बहुत ज्यादा जबरदस्त बात है। और बकाया पॉलिटिक्स और मीडिया तो बातें करता रहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं यार सबको बेहतर है और सबको ठीक रहे। तो यार आप लोग बताएं इस बारे में आप लोगों के थॉट्स हैं। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।